आज हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर एडिशन। उसमें तीन टाइप के रूल्स हैं। पहला रूल है, अगर दोनों नंबर आपके पॉजिटिव रहेंगे तो आपको करना है उसका एडिशन और साइन आएगा प्लस। देन सेकेंड रूल है, अगर एक नंबर पॉजिटिव और अगर दूसरा नंबर आपका नेगेटिव रहा तो आपको करना है सब्ट्रैक्शन और साइन देना है साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर, जो कि नंबर बड़ा रहेगा उसका साइन देने का। देन थर्ड रूल है, अगर आपके दोनों नंबर नेगेटिव रहे तो आपको करना है एडिशन और साइन आएगा माइनस। तो देखते हैं ये रूल्स कैसे अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 5 प्लस 7 करना है तो इसमें 5 का साइन है प्लस और 7 का साइन है प्लस, तो 5 प्लस 7 कितना होगा, एडिशन होगा, आंसर आएगा 12 और साइन आएगा प्लस। टेक अनदर एग्जांपल, दूसरा आपका एग्जांपल रहेगा सपोज माइनस 10 प्लस 7, इसमें 10 का साइन है माइनस और 7 का साइन है प्लस, इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो आपको करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन, दैट मींस 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 और साइन देने का है बिगेस्ट नंबर का। अभी इन दोनों में बिगेस्ट नंबर है आपका 10 और 10 को साइन है माइनस, दैट मींस माइनस 3। और एक एग्जांपल देखते हैं, माइनस 15 प्लस 25, यहाँ पे भी आपके पास दो नंबर है उसमें से एक का साइन है माइनस और दूसरे का साइन है प्लस। अभी माइनस और प्लस रहा तो आपको करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन, देन 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे भी साइन देना पड़ेगा आपको बिगेस्ट नंबर का। यहाँ पे 25 बिगेस्ट नंबर है, उसका साइन है प्लस, तो आपका आंसर आएगा प्लस 10। और एक एग्जाम्पल देखते हैं आपका, माइनस 7 और माइनस 11। अभी यहाँ पे 7 का साइन है माइनस और 11 का साइन भी है माइनस। अभी यहाँ पे आपके दोनों नंबर माइनस है तो आपको करना पड़ेगा एडिशन, दैट मीन्स 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18 और साइन आएगा माइनस, दैट इज माइनस 18। तो ये कुछ बेसिक रूल है जो आप लोग एडिशन करते वक्त ध्यान में रखोगे तो आपका सब एडिशन सही तरह से वर्कआउट हो सकता है।